हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय मंत्रा। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनिमलिस्ट के एक टोनर का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो टोनर का रिव्यू करने वाली हूँ उसका नाम है मिनिमलिस्ट का पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड, पीएचपी 3% का ये टोनर है जिसका मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। तो रिव्यू करने से पहले मैं पीएचपी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। पीएचपी का फुल फॉर्म होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। हाइड्रोक्सी एसिड जो होते हैं वो फ्रूट से आते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये AHA जो होता है उसका आप इसे कजिन समझ सकते हो। ये उससे बहुत ही माइल्ड होता है पीएचए टोनर। मैंने पहले पीएचपी बोल दिया क्या? सॉरी, अगर बोला हो तो वो पीएचपी नहीं, पीएचए है, पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। तो ये क्या होता है, ये AHA से बहुत माइल्ड होता है। ये भी फ्रूट से ही डिराइव किया जाता है। जिस तरह से AHA हमारे स्किन पर काम करता है ये ठीक उसी तरह ही काम करता है, लेकिन ये उसका बहुत ही माइल्ड वर्जन है। तो जिसको भी सेंसिटिव स्किन है या कोई भी एक्टिव आप अगर कभी भी यूज नहीं किए हो और आप अपने स्किन पे कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो टोनर एक बहुत ही अच्छा फॉर्म होता है। चाहे वो AHA हो, BHA हो या PHA हो, कोई भी, अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है और आप पहले बार अपने स्किन में कोई एक्टिव्स यूज कर रहे हो तो इस हिसाब से मैं अगर बताऊंगी तो यही कहूंगी कि आपको पहले टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि टोनर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत माइल्ड रहता है उसमें। तो आपके स्किन में कोई भी मतलब ज्यादा इरिटेट होने का चांस बहुत कम होता है। फिर भी मैं कहूंगी कि क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है तो आपको पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। पैच टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, थोड़ा सा लगा के आप कुछ घंटों तक छोड़ सकते हो देखने के लिए कि कोई इरिटेशन हो रहा है या नहीं। तो बात कर रही थी मैं पीएचए के बारे में। तो पीएचए AHA का आप कजिन समझ सकते हो, उसका माइल्डर वर्जन है। ये बहुत माइल्ड होता है स्किन पे। आप इसे, ये जो टोनर के फॉर्म में आता है, आप इसे रेगुलरली यूज कर सकते हो जिस तरह से ये एडवाइस किया है। इसका कैटन में लिखा है AM PM आप रेगुलरली यूज कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगी कि आप कोई भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि AHA, PHA या BHA आप इसे रात में इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये हमारे स्किन को फोटो सेंसिटिव कर देता है। तो रात में इस्तेमाल करना अच्छा होता है। और रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करिए क्योंकि ये हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो बहुत ज्यादा अगर आप एक्सफोलिएट करोगे स्किन को रेगुलरली तो भी आपके स्किन में वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर अति हो जाती है ना तो वो अच्छा नहीं होता है। तो स्किन का एक्सफोलिएशन तो होना जरूरी है, लेकिन आप अगर उसे रोज ही करने लगोगे तो स्किन क्या होगा कि स्किन अपना जो बैरियर है उसको ही डैमेज आप कर दोगे, स्किन के बैरियर को। तो फिर कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा इसे यूज करने का, ठीक है। और अगर आप कोई भी एक्टिव यूज कर रहे हो तो सबसे जो बड़ी बात है, जो पहला एक बड़ा पॉइंट है, आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि आपको SPF का इस्तेमाल करना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF को आप अगले ही दिन सुबह जैसे भी करके इस्तेमाल करिए, और हर 2-3 घंटे में आपको रीअप्लाई भी करना है। नहीं तो फिर आप सन से अपने स्किन को डैमेज करके बैठोगे और फिर कोई फायदा नहीं होगा इतने सारे मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगाने का, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही AHA स्किन पे काम करता है वैसे ही ये PHA भी काम करता है। जैसे AHA क्या करता है, हमारे जो सन डैमेज है उसे रिवर्स करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, हमारे स्किन में जो भी फाइन लाइन्स, रिंकल्स है उसे रिड्यूस करता है, स्किन का इलास्टिसिटी बढ़ाता है, हाइड्रेटेड रखता है
और एक्सफोलिएट करता है। उसी तरह पीएचए भी क्या करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ये एक ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, हाइड्रेटेड रखता है, एक्सफोलिएट करता है और स्किन का इलास्टिसिटी बढ़ाता है। तो अगर आप ये टोनर को इस्तेमाल करते हो तो कितने दिनों में आप इसका रिजल्ट देख पाओगे? मैं कहूंगी इमिडिएटली। जिस दिन यूज कर, जैसे कि आप रात में लगा के इसको सो जाओ, दूसरे ही दिन आप देखोगे आपका स्किन का ग्लो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एचए जो होता है वो इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देता है। तो पीएचए भी उसी कैटेगरी में आता है, ये भी इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देता है। पहले तो मैं भी थोड़ा मतलब डाउटफुल थी कि ये उतना अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, क्या है टोनर, लेकिन मैंने जब इसे इस्तेमाल किया दूसरे ही दिन मैं सुबह उठ के देखी तो चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ गया था और ये स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। एक हल्का सा ग्लो आपके फेस में हमेशा रहेगा और स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है, स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये है पीएचए का काम, और जो कि ये टोनर बहुत अच्छे से करता भी है। अब मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस है 399, लेकिन आप कोई भी साइट पे देखो आपको कुछ ना कुछ ऑफ इसमें जरूर मिल जाएगा। और इसमें क्या ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमें हमारे स्किन को मतलब फायदा दे सकता है? इसमें और दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि है, एक तो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक बीएचए है जो कि एक्सफोलिएट करता है हमारे स्किन के पोर्स में घुस के वहां से ऑयल को, और जिसमें बहुत सारे डर्ट्स घुसे रहते हैं उसे वो साफ करता है, उसे प्योर करता है हमारे। तो उससे क्या होता है, हमारे जो पोर्स है वो साफ रहते हैं, इसलिए हमारे पोर्स छोटे दिखते हैं, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो पोर है वो मिनिमाइज हो रहा है। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में वो पोर्स हमारे साफ रहेंगे तो वो कम ही दिखेंगे। तो अगर आपको बहुत ऑयल है फेस में, बहुत ऑयली स्किन है, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है। और दूसरा एक इसमें है नियासिनामाइड। आप सभी को पता होगा नियासिनामाइड स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। देखिए ये टोनर में एक तो पीएचए है जो कि एक्सफोलिएट करता है, सैलिसिलिक एसिड है जो एक बीएचए है वो भी एक्सफोलिएट करता है, तो इसलिए इसमें उन लोगों ने नियासिनामाइड मिलाया हुआ है जिससे कि हमारे स्किन का बैरियर डैमेज नहीं होगा। लेकिन आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल ना करें, और इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो अच्छे से मॉइस्चराइज करना ना भूले स्किन को, और एसपीएफ यूज करना भी ना भूले। तो अगर आप इतना सारा सब कुछ फॉलो करते हो तो ये टोनर बहुत अच्छा है, आपको एक चांस इसे देना चाहिए। ये तो मैं सबसे कैटन ही आपको दिखा रही थी, अंदर में प्रोडक्ट कुछ ऐसा है। देखिए मैं यूज कर रही हूँ और ये मेरा थोड़ा सा खत्म हुआ है। ये स्प्रे बॉटल में नहीं आता है, ये इस तरह से आता है। आप इसे कोई भी कॉटन पैड या हाथ में लेके स्किन में डैब करके यूज कर सकते हो। मैं तो कॉटन में नहीं लेती हूँ क्योंकि उससे प्रोडक्ट बहुत वेस्ट जाता है। हाथ में ही आप ले कुछ ड्रॉप्स और अपने पूरे चेहरे पे और नेक में भी अप्लाई करें। कभी भी नहीं भूलिए कि नेक का जो स्किन है वो हमारे फेस का ही एक एक्सटेंशन है, तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हो फेस पे उसे आपको नेक में भी अप्लाई करना है, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, कोई भी सीरम हो, टोनर हो या एसपीएफ हो, जो भी आप फेस में अप्लाई कर रहे हो उसे अपने नेक एरिया में भी अप्लाई जरूर करिए। तो ये टोनर को अगर मैं कहूंगी कि आपको एक ट्राई देना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा टोनर है मिनिमलिस्ट के तरफ से, पीएचए का 3% का। और कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, इसे रेगुलरली यूज ना करें, गैप देके करिए, चाहे 1 या 2 डेज का गैप तो दीजिए मैं कहूंगी। और यूज करने से पहले पैच टेस्ट करिए पहली बार अगर आप यूज कर रहे हो, और एसपीएफ यूज करना ना भूले, मॉइस्चराइज करना ना भूले, और इसे एक बार परचेज करिए उसको भी ना भूलिए। और बस इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए
बेल बटन भी आप जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू।